क्या बनाया है? और सुनो, आपने कुछ प्रॉमिस किया था बच्चों से? मैं तो प्रॉमिस करते ही रहता हूँ, मेरा क्या? नहीं, शायान मुझसे बोल रहा है उसके एग्जाम हो जाएंगे तो आप लेके जाओगे, बोल रहे थे ना आप उस दिन। हाँ, बोल तो रहे थे। तो फिर क्या शायान? अरे आप क्या बोल रहे थे, मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप लेके जाओगे। हाँ, पार्टी देंगे, आपने बोला था पार्टी देंगे। तो अच्छा, ऐसा बोला था मैंने जी? तो देंगे ना, मैंने बोला डेट थोड़ी बताई थी। आज बेटा, आज देखो, हाँ देखो, याद तो है मुझे, क्योंकि आज है बेटा संडे, और संडे को रेस्टोरेंट में इतना रश होता है, इतना रश होता है, ऐसे लगता है कि फ्री में फूड बट रहा हूँ। तो भाई आज नहीं बेटा, आज एक काम करते हैं, आफ्टरनून में मैं तुमको लेके चलता हूँ दाना पानी बीच, मजा आएगा वहां पे। नहीं। क्यों? मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्यों? क्रिकेट तो रोज ही खेलते हो? रोज खेलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4S फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दाना पानी बीच। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बीच, और अभी हम हैं ऑन द वे, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शाम का टाइम है और थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। कितनी भीड़ है यहाँ पर, ये देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सा बीच आ चुका है। ये अक्सा बीच अंदर जाने का रास्ता है, इधर को जाते हैं अक्सा बीच। ये देखिए इधर से जाते हैं। लेकिन आज हम जो अक्सा बीच नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दाना पानी। तो वो जो है थोड़ी सी दूरी पर है, ये है रास्ता अक्सा बीच का। और ये इतनी भीड़, ट्रैफिक का तो कुछ पूछो ही नहीं यहाँ पर, इतना ट्रैफिक रहता है बस। इसलिए आज हम जल्दी आए हैं ताकि हम सही टाइम से पहुँच जाएँ, पिछली बार की तरह ना हो जैसे हम पिछली बार आए थे और रात हो गई थी जिस टाइम हम आए थे। लेकिन आज हम जल्दी आए हैं ताकि हम जल्दी पहुँच जाएँ, और जब सनसेट हो, जब सूरज डूबे तो देखने का जब सूरज डूबता है तो उसका देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो कितना बिग ट्री, बरगद का पेड़ है शायद ये, कितना बड़ा है वह। ये अक्सा बीच का बोर्ड है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर फोटो सेशन हो रहा है। अरे आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम भी करवाते हैं कभी कभी यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहे आप, चलते हैं दाना पानी बीच पर। ये छोटा सा ब्रिज है जो कि बहुत सारी फिल्मों में इस ब्रिज की शूटिंग हुई है, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में। देखो इस रोड के आसपास बहुत सारे बंगले, लेकिन आज सफाई नहीं कर रहे हैं अंदर है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग होती रहती है बंगलों में। ये अब हम टर्न लेंगे लेफ्ट साइड, ये हम टर्न, ये बच्चा में देखता हुआ जा रहा हंसता हुआ। अब हम करेंगे टर्न दाना पानी बीच साइड, ये कर लिया हमने टर्न, और बस थोड़ी देर में आ जाएगा दाना पानी बीच। अब हम पहुंच गए हैं दाना पानी बीच पर। ये देखिए, ये ये दोनों जा रहे हैं अब नीचे, अब हम जाएंगे नीचे की साइड। वाकई में दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कितना अच्छा लग रहा है, चलो 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 आ जाओ नीचे, जाना आपको। देखो शारिया, शारिया क्या कर रहे हो?
शारिया चलो शारिया चलो 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 देखो भाई अब हम मिस कर रहे हैं शायान को। शायान इज प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स, तो संडे के दिनों बहुत बिजी रहता है सारा दिन, लेकिन हम बहुत मिस कर रहे हैं। ये दाना पानी बीच है और ये भी मडाई लैंड में ही है, मलाड वेस्ट में। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बीच है और ये पीछे जो बंगलोज देख रहे हैं आप, इनमें शूटिंग होती है, मैंने भी यहाँ पे शूटिंग की हुई है। तो ये खूबसूरत नज़ारे आप देखें, ये समुद्र जो है इस तरफ, ये कहलाता दाना पानी बीच। और मुंबई में तो बीचेज ही बीचेज हैं चारों तरफ शारिया। और ये देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हैं, ये जहाँ जहाँ जगह मिलती है लोग जमा हो ही जाते हैं। और ये देखें, और उसके बाद यहाँ पर हम खड़े हैं, वो ये है और हमारी शारिया ये है। हेलो शारिया, ओ मम्मा को इतना पानी कर रहे हो, कितना पानी कर रहे हो। चले शारिया नीचे चले, चलो लेट्स गो डाउन। आपको वाटर में जाना था ना शारिया, आपको तो वाटर में जाना था। चलो 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 चलो, रॉक से नीचे उतरेंगे। चलो 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 शारिया, हमारी मम्मा तुमको लेकर गिरेंगी बेटा। शारिया गोइंग डाउन। शारिया कहाँ जा रहे हो आप, शारिया कहाँ जा रहे हो? देखो हमारे बच्चों की मम्मी उतरने की कोशिश कर रही हैं। अब ये गिरेंगी, मैं लाइव शूट कर रहा हूँ, तो गिरते गिरते ही बना सकते हैं उनका वीडियो। संभाल के गिरना भाई, संभाल के गिरना, संभाल के गिरना भाई, ठीक है। चलो 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो, शारिया बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, देखिए इतने सारे लोग। देखो जाने जाते इधर देखो, और ये रही हमारी शारिया। शारिया और ये देखियो सनसेट के साथ, वाओ। शारिया के डैडी और शारिया तो जा रहे हैं ऊपर मुझे छोड़ के, चले आगे चलते हैं। अरे ये पत्थर तो ऐसे डर लग रहा है इन पर चढ़ते हुए भी, अगर गिर गई तो मेरी सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। सच में अगर रियल में देखा जाए यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत जगह है। कैमरे में तो पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सनसेट होगा, ओ माय गॉड। ओह शारिया, ओहो शारिया आपको अच्छा लग रहा है?
बेटे आप बोल रहे थे घर पर कि मैं वाटर में जाऊंगी, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो, आप डर रहे हो। अब हम चलते हैं फिर से ऊपर की साइड यानी कि रोड पर, क्योंकि हम नीचे आ चुके थे यहाँ से। अभी ऊपर जा रहे हैं शायरी की रैली। मैं कैसे जाऊँ, अगर गिर गई तो लाइव देखना गिरते हुए, दिखेगा तो नहीं लेकिन पता चल जाएगा कि मैं गिर गई हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शारिया क्या मस्ती है, भूख लगी है शारिया? शारिया 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 भूख लगी है, भूख लगी है। बोल लग गया उसको, चलो सनसेट हो रहा है शारिया। इधर है वो, ये मुंबई की शाम और यहाँ पर कितना रश हो चुका है। अभी तो सनसेट हुआ भी नहीं है, सनसेट होते होते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, और भी ज़्यादा मज़ा आया। आ चुका है छोटा सा स्टॉल जहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं, है शारिया? ये देखिए इनके भैया के पास जो है चेरी और ये अमरस। अरे ये तो हमारे गांव में रोड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं। अरे यहाँ पर आंटी पता नहीं वड़ा पाव वगैरह देती हैं। वड़ा पाव अवेलेबल है, वड़ा पाव खाना मुंबई फेमस। हाँ खाना, भूख लगी है। चलो ताई, और ये देखिए ताई है हमारी, ताई मतलब बहन। और ये ताई जो है वड़ा गरम गरम बना रही हैं और हम खाने वाले हैं वड़ा पाव। आचार्या शारिया खाने वाली है वड़ा पाव। आचार्या देखो एकदम गरम गरम निकलता हुआ कढ़ाई से, और ये बीच के ऊपर देखो ये है बीच, शानदार दाना पानी बीच, और ये है कढ़ाई, और ये है शारिया। देखिए गर्मा गर्म बड़े निकलते हुए, इसको मुंबई बर्गर भी कहा जाता है। मुंबई बर्गर मतलब वड़ा पाव। ये देखिए ताई गर्म गर्म बड़े और बीच की शाम। हमारे बना रहे वड़ा पाव, और ये देखिए दो वड़ा पाव रेडी। थैंक यू दादा। और ये बीच पर वड़ा पाव का मजा लेते हुए देखिए, ये शारिया की डैडी शारिया को पानी पिला रहे हैं। शारिया शारिया को बहुत प्यास लग रही थी। और ये हमारा बड़ा पाव, मजा आया शारिया? शारिया इधर आओ। शारिया शारिया कहाँ बोले मम्मा, कैसे लगा आपको? ये सनसेट हो रहा है, ये शारिया की बस्ती। हाँ पीछे करो बेटा, बेटा गिर नहीं जा, पीछे हो। अब देखिए सूरज बस थोड़ी देर में डूब जाएगा। वाकई क्या नज़ारा है, वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम आए थे दाना पानी बीच, और यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और खाने में भी मज़ा आ गया। बड़ा पाव बहुत अच्छा था यहाँ का। तो आज दाना पानी बीच पर आकर तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और बस अब थोड़ी देर में हम घर के लिए निकलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हम दाना पानी बीच की सैर के बाद पहुंच चुके हैं घर, और आज संडे है। संडे को रेस्टोरेंट्स में बड़ी लाइंस रहती हैं, बड़ी लंबी वेटिंग रहती है। पहले वेट करो, जब टेबल्स खाली होंगी तो आपको जगह मिलेगी। इसके लिए हमने काम किया है कि भाई नहारी
लेकर घर आ गए और हमारे शायद की फेवरेट है क्या, ये नहारी और ये तंदूरी रोटी। तो ये हमारे शायन की फेवरेट है और शायन को थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है, शायन ने पहनी जैकेट, क्यों शायन? तो फिर आज हम खाने वाले हैं क्या, नहारी और तंदूरी रोटी। और देखो हम तो बहुत इंजॉय करने वाले, हमने बीच में बहुत इंजॉय किया, अगर आपने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगली पार्टी। चलो मिलते, बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्टी में।